नारायण नारायण दगड़ियों, नारायण नारायण। आप सभी का पानी पर चर्चा विषय पर आप सभी का स्वागत है। तो बोला, जैसा आप देख पाएंगे कि इस समय हमारा जो पानी का ग्लास है वो आधे से भी कम है। इसके पीछे एक मूल कारण है, जल, जंगल और जमीन। और ये तीन जो हैं ये एक दूसरे से पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं। अब आपका प्रश्न आएगा कि ये ग्लास आधे से भी कम क्यों? तो ये फिलहाल पूरे देश को पानी पिलाने वाली और कम से कम उत्तर भारत को पानी पिलाने वाला हमारा प्रदेश, उसकी स्थिति हो गई है। तो अतः आज की चर्चा का विषय हमारा जल, जंगल और जमीन है, और जो कि अपने लिए ही प्यासा रह गया। तो आशुतोष जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो अमित जी, ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जी। हमारा जो उत्तराखंड बना, जिसे बने हुए 21 साल से अधिक हो चुके हैं, 21 साल से अधिक होने के बावजूद ये जो जल, जंगल, जमीन था, ये नारा जो कि जिस मुद्दे पर ये उत्तराखंड आंदोलन प्रारंभ हुआ, आज तक ये नारा सिर्फ एक नारा बनकर रह चुका है। और इसकी वजहें क्या हैं? इसकी वजहें ये हैं कि इस नारे का नाम लेकर जिन लोगों ने सत्ता प्राप्त की, वो सब लोग ही इस नारे को भूल चुके हैं जी। इसमें मैं एक चीज आपको थोड़ा सा इसकी जरा पृष्ठभूमि पर मैं जाना चाहूंगा आशुतोष जी, क्षमा करें मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जब बना, तो उस समय पर भी एक नारा प्रबल था, वो था जल, जंगल और जमीन का। हुआ ये था कि मुलायम सिंह की गवर्नमेंट के समय पर या उससे पहले भी, हमारा जब ये उत्तराखंड राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, तो उस समय पर भी एक हिल डेवलपमेंट बोर्ड नाम से एक पूरा का पूरा एक मद होता था, एक हेड होता था, जिसके अंतर्गत पूरे यहाँ के विकास हुआ करता था। तो उसके द्वारा जो है यहाँ पूरे प्रदेश में आपका बजट एलोकेट होता था हमारे मतलब पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड के, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, यानी उत्तराखंड जो कि आज का हाल का उत्तराखंड है, उसके लिए एक बजट एलोकेट होता था हिल डेवलपमेंट बोर्ड पे। अब उसमें समस्या ये आई कि ये जो बोर्ड था वो, उसकी जितनी भी बजट होता था वो लखनऊ से होता था, ये तो एक बात हुई। अब लखनऊ यहाँ से काफी दूर बैठता था, देखा जाए तो दिल्ली हमारे लिए ज्यादा नजदीक होगा जी, और लखनऊ हमारे लिए ज्यादा दूर, ज्यादा दूर था। मतलब हमारे जो यूपी प्रदेश की राजधानी है वो पहाड़ों से ज्यादा दूर थी, बजाय इसके कि देश की राजधानी है। दूसरी बात ये आई कि उस हिल डेवलपमेंट बोर्ड में जो है यहाँ के लिए जो बजट आवंटन होता था वो बहुत कम होता था, और वहीं यहाँ अब उसके करके क्या है, यहाँ की साली जनता पे रोष था। अब रोष इसलिए था क्योंकि मेन जो दिक्कत आ रही थी वो ये थी कि यहाँ का पानी, यहाँ के लकड़ी, इमारती लकड़ी से लेकर के जलाने वाली लकड़ी तक का, और यहाँ की आपका रेता खनन के लिए या और मिनरल्स वगैरह, वो पूरे जो है वो पूरे यूपी को सप्लाई होता था या पूरे देश में जाता था, यानी उससे राजस्व आता था। कहने का मतलब उत्तराखंड से जितना भी रिसोर्स है जी, उसका मुख्य फायदा उत्तराखंड को होने की बजाय सब मैदानी क्षेत्र को होता था, मैदानी क्षेत्रों को या फिर अन्य यूपी के पार्टियों को होता था, जिसके करके पूरी एक जनता में रोष था। और इसलिए जो है जल, जंगल, जमीन या अपनों प्रदेश, अपनों विकास की एक यहाँ के लोगों में एक अलग जगी, और जिसके आधार पर पे एक आंदोलन हुआ। अब यह आंदोलन ने ज्यादा तेजी तब पकड़ी जब मुलायम गवर्नमेंट आई, उस समय पे बहुत ज्यादा यहाँ पर पे अनदेखी हुई हमारे प्रदेश मतलब हिल डेवलपमेंट बोर्ड में, बहुत कम बजट एलोकेट हुआ, जिसके करके यहाँ पे कोई भी योजना पूर्णता पूर्ण नहीं हो पाती थी। इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस थे जी, वो उस लेवल पर उस उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से हमारे लिए वो चीज नहीं डिमांड कर पाते थे,
या करना नहीं चाहते थे, और जो लोग करते थे उनको शायद शांत करवा दिया जाता था। जी देखिए, पहले विधायी यूपी की अगर हम बात करें तो बात आती है विधायिका की। अब विधायिका में अगर हम बात करें तो विधायिका में पहाड़ी क्षेत्र से मतलब यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में संख्या बल वैसे ही कम था, और उसके अलावा यहाँ के नेता तो यहाँ के नेताओं की वहां चल नहीं पाती थी, जिसके करके किया है एक आम जनता में और इवन हमारे यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनमें भी एक रोष था, और वही रोष एक कारण बना यहाँ के राज्य उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पीछे।